हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ही हमारे पास एक प्रिंटर आया है जिसका मॉडल है एचपी डेजेट GT5810। ये विदाउट वाईफाई प्रिंटर है, बहुत बेसिक प्रिंटर होता है ये, टैंक में आया हुआ एचपी का पहला ही प्रिंटर है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप देखोगे स्क्रीन पे इसमें E4 का एरर आ रहा है, ये E4 का एरर आ रहा है। तो ये किस चीज का प्रॉब्लम होता है, ये मोस्टली मैकेनिकल से इशू होता है। जब हमारा पेपर फंस जाता है या तो हम उसको उल्टा करके निकाल देते हैं या खींच के निकाल देते हैं रनिंग मशीन में, तब ये हमारी प्रॉब्लम आती है E4 के एरर की। तो हम इसको आपको बताते हैं कि किस चीज में इसकी प्रॉब्लम होगी। इसमें चार स्क्रू होते हैं जो हमें खोलने होते हैं, दो स्क्रू यहाँ पे होते हैं, ये हमने पहले ही खोले हुए। ये हमारा स्कैनर बाहर निकल जाता है। तो इसमें इशू कहाँ से आता है, इशू इसका मैकेनिकल का होता है। जो नीचे आप गियर असेंबली देख रहे हो, ये सेंसर होता है, डिकोडर सेंसर, यहाँ से ही इसमें प्रॉब्लम आती है। यदि आपके पास भी कोई भी प्रिंटर हो, एचपी का, इंक जेट हो, इंक टैंक हो, लेजर हो, कोई भी हो, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।